नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल किशोर साख, प्रत्याशी लोकसभा फरुखाबाद 40 समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन। कल की घटना फरुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत 103 अलीगंज विधानसभा के बूथ संख्या 343 पर जो घटना हुई है, 343 किरिया पमारान जो बूथ है उस पर एक व्यक्ति राजन ठाकुर जो ईवीएम की मशीन पर 8-8 वोट अकेले ही डाला है और लोगों की पर्चियां छीन करके वोट डालने का काम कर रहा है। जब किरिया पमारान के लोग हमसे मिलने आए और वीडियो शेयर किया तो मैं कहना चाहूँगा कि कल की घटना को निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई करने का काम किया है, इसके लिए मैं निर्वाचन अधिकारी, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हम अनुरोध करते हैं कि ये तो 343 बूथ तो एक उदाहरण था, लेकिन 13 मई के दिन मैंने अपनी आंखों से देखा बूथ संख्या 349 कदरागंज, जो कि लोधी समाज का गांव है, वहां के दबंग गुंडे, बगल के गांव नगला भग्गू, जहां पर उनको मतदान नहीं करने दिया गया, जिसको मैंने अपने फेसबुक के पेज से लाइव दिखाया था। वहीं दूसरा बूथ संख्या 359 जो कि छत्री समाज का है, इस गांव में यादव समाज के 3 गांव लगते हैं, नंगला गंगी, बिनौरा और परसुपुर, इन गांव के लोगों को भी मतदान नहीं करने दिया गया। और जब मैंने इसकी शिकायत आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, एसएसपी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑब्जर्वर को जब मैंने की तो उनके अनुरोध पर उन्होंने एडीएम साहब को भेजा था, और एडीएम साहब के साथ में जब तीनों गाँव में पहुँचने का काम किया तो वहाँ के मतदाता गए तो, लेकिन जाने के बाद उन लोगों का क्या बुरा हाल हुआ, लाठी और डंडों से उनकी तुड़ाई करी गई। अशोक यादव जो कि अभी भी जिंदगी और मौत से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या दूसरे किसी हायर सेंटर पर भेज दिया गया है। इसके अलावा सुभाष साथी के परिवार के साथ कितनी बर्बरता हुई, मैं कहना चाहूँगा 10 साल से लेके उनके 85 साल तक के परिवार के लोगों को कितनी बुरी तरह से मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अनुरोध करता हूँ कि 343 पर तो इन्होंने प्राण मतदान के लिए आदेश दिया है, लेकिन हम 349 कदरागंज, 359 मंगतपुर पर भी पुनर्मतदान की मांग करते हैं, ताकि निर्वाचन आयोग पर जनता का भरोसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।